Christ. पोर्टर सर्विस फ्री है दोस्तों, ये डिटेल मैंने आगे वीडियो में अच्छे से बताया है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगा क्योंकि मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया अपनी जर्नी के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मज़े भी होंगे। तो दोस्तों, फाइनली वो दिन आ गया, मैं और मिश्का इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाले हैं। मिश्का के लिए तो फर्स्ट टाइम फ्लाइट जर्नी होगी, वो भी इतने लंबे समय के लिए। तो देखने लायक होगा कि मिश्का किस तरीके से रिएक्ट करती है। और बाकी मैं आपको अपडेट देती रहूँगी कि एक बच्चे के साथ आप ट्रैवल कर रहे हो तो किस किस चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मेरा ये फर्स्ट टाइम है, बट मैं अपनी जर्नी के साथ अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगी ताकि अगर आप भी बेबी के साथ प्लान कर रहे हो ट्रैवल करने का तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और यहाँ पे मिश्का भी रेडी हो चुकी है इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए। जाने से पहले हम लोगों ने अपने पड़ोसियों को भी बाय बोल दिया। और यहाँ पे अब हम लोग पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट के पार्किंग में। यहाँ पे अविनाश गाड़ी को पार्क करेगा, देन हम लोग जाएंगे टर्मिनल 5 पर। टर्मिनल 5 शिकागो का इंटरनेशनल टर्मिनल है। They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah bitch I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. Hey dosto, hum log airport pahunch chuke hain aur Chicago ke terminal 5 par aa gaye hain. और एयर इंडिया के चेक इन में लग चुके हैं और इतनी लंबी लाइन है ना, ओ गॉड, इतनी लंबी लाइन है कि हमें आराम से एक घंटा लगेगा। थैंक गॉड बाद में एयर इंडिया वालों ने अपने 4-5 एक्स्ट्रा जो काउंटर थे वो भी ओपन कर दिए थे, जिससे कि हमारा नंबर जल्दी आ गया था और हमने अपना लगेज चेक इन करा लिया था और बोर्डिंग पास भी मिल गया था हमें। हम लोगों ने सिक्योरिटी चेक कर लिया, काफ़ी अच्छे से हमारा सिक्योरिटी हो गया, काफ़ी इजी था दोस्तों। अब बस हम लोग बोर्डिंग गेट पर आ गए, बोर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है ऑलमोस्ट, तो बस हम लोग बोर्डिंग के लिए निकल रहे हैं। ऐसा मैंने सुना था कि जो एयरलाइन होते हैं वो बेबी वालों को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, उनके लिए अलग सा सेक्शन होता है, उनका बोर्डिंग सबसे पहले कर देते हैं। पर यहाँ पर एयर इंडिया वालों ने ऐसा कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं किया था। मैंने जाके इनसे पर्सनली बात की, तब जाके इन्होंने बोला कि ये जो लाइन आप देख रहे हो एक्स्ट्रा लाइन, ये बेबी वालों के लिए, आप प्रोसीड कर सकते हो। जब मैंने बोला तब बाकी पेरेंट्स भी आ गए और लाइन में लग गए, बट उन्होंने स्पेशली नहीं अनाउंसमेंट किया था, जो मुझे काफ़ी अजीब लगा। दोस्तों, मुझे आपको एक इन्फॉर्मेशन देना है, इसलिए मैंने इस वीडियो को यहाँ पे पॉज किया। जब मैं प्रोसीड की तो मुझे अजीब एक लगा कि एयर इंडिया वालों ने, जनरली एयरलाइंस आपके स्ट्रॉलर को ले लेते हैं, वो खुद ही फोल्ड करते हैं, बट एयरलाइंस वालों ने ऐसा नहीं किया। वहाँ पे किसी एजेड लेडी को वहाँ पे रखा था, एजेड लेडी से उन्होंने मना कर दिया हेल्प करने से। मेरे हाथ में स्टफ़ था, बेबी भी था और स्ट्रॉलर भी था, तो काफ़ी मुश्किल हुआ मेरे लिए। ऑफ कोर्स ये जो भैया दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, उनसे हेल्प ली एंड रियली इन्होंने काफ़ी हेल्प किया मेरा। हाँ, दिस पर्सन ही हेल्प मी अ लॉट विद माय स्ट्रॉलर एंड द स्टफ, थैंक यू सो मच। व्हाट्स योर नेम? जीवन, माय नेम इज जीवन। एंड वेयर यू गोइंग? I'm going to Bangalore. Bangalore? Yeah. So you live Bangalore only? I'm from Tirupati actually, but I live in Bangalore actually. Oh, Tirupati is famous for? Balaji. टेक ऑफ के बाद एयर होस्टेस वालों ने बेसिनेट लगा दिया बेबी के लिए, मैंने बेसिनेट वाले सीट लिए थे, काफ़ी हेल्पफुल था मेरे लिए। एंड मिश्का भी अच्छे से आराम से सोते सोते आई है, मिश्का को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और सबसे अच्छी बात, मिश्का ने मुझे पूरी ट्रैवल में एक बार भी डिस्टर्ब नहीं किया, तो हैट्स ऑफ मिश्का के लिए, उसकी वजह से मेरा ट्रैवल जो था वो काफ़ी ईजी हो गया था। एयर इंडिया की फ़्लाइट काफ़ी ओल्ड मॉडल दिख रही थी, सीट भी इतने कंजस्टेड थे कि बहुत प्रॉब्लम हुआ। 15 आवर की जर्नी थी, थैंक गॉड मेरे जो बगल सीट में बैठे थे वो काफ़ी अच्छे लोग मिल गए थे, जिनसे बातें करते करते मेरा जो 15 आवर का जर्नी था वो काफ़ी रिलैक्स हो गया।
दोस्तों प्लेन में आधा से ज़्यादा इंटरटेनमेंट स्क्रीन्स काम ही नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से 15 आवर की ये जर्नी और भी पेनफुल हो गई थी। मैं चाहती हूँ कि एयर इंडिया दुनिया की सबसे अच्छी एयरलाइंस में हो, बट इस तरह की सर्विसेज के साथ तो ये इम्पॉसिबल लग रहा है। एयरलाइन हमसे पूरा किराया लेती है, बट फैसिलिटीज़ नहीं देने पर भी किसी तरह का रिग्रेट या अकाउंटेबिलिटी फील नहीं करती है। कम से कम पैसेंजर को किसी तरह का कंसेशन ही ऑफर कर दे, जिससे पैसेंजर चीटेड फील ना करे। हे फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं बैगेज क्लेम में। इमिग्रेशन काफी अच्छे से हो गया। दोस्तों जल्दी से मैं आपको इमिग्रेशन का प्रोसेस बता देती हूँ। उन लोगों ने मेरा पासपोर्ट, मिश्का का पासपोर्ट, OCI कार्ड चेक किया एंड प्लेन में ही फॉरेनर्स ओनली फॉर्म मिला था, जिसमें मिश्का के बेसिक डिटेल्स डालने थे, नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, फ्लाइट नंबर, डेट ऑफ अराइवल, कंट्रीज विजिटेड इन लास्ट 6 डेज, एड्रेस इन इंडिया जहाँ पे आप जा रहे हो, टेलीफोन नंबर और पेरेंट्स के सिग्नेचर। इसके बाद मेरा और मिश्का का फोटो क्लिक किया और देन उन लोगों ने जाने दिया मुझे। और सबसे अच्छी बात है, मेरी फ्लाइट की जर्नी बहुत ही ऑसम रही। क्यों? उसका रीजन है ये लोग, इन लोगों ने बहुत हेल्प की हमारी। प्लीज मास्क हटा दो आप, अब तो आप हटा सकते हो ना। एंड देन आप सेम हियर, बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। यहाँ से मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट है पटना के लिए और पोर्टर मैंने ले लिया है। पोर्टर का चार्ज है 500 रुपीज़, मैं ले रही हूँ, भैया ले रहे राइट, और मुझे कनेक्टिंग फ्लाइट तक मतलब चेक इन करा देंगे। और अपने वतन आके बहुत अच्छा लग रहा है, और मिश्का फर्स्ट टाइम इंडिया आई है, तो मिश्का का तो ये फर्स्ट ट्रैवल था। ट्रांसफर का बैग डाल दिए, दो पन्नो, डेढ़ घंटा चल जाएगा। अच्छा क्या है ये? वो क्या चलाते हो आप? नेट चलाने के लिए। अच्छा नेट चलाने के लिए, अरे वाह। तो भैया ने नेट चलाने के लिए मुझे कूपन दे दिया, तो मेरा US का है नंबर, तो चल जाएगा। चल जाएगा, तभी तो दिया है। क्या बात है भैया। तो भैया ने मुझे ये क्या कूपन दिया है राइट, जिससे मेरा नेट चल जाएगा। 45 मिनट चलेगा एक कूपन से। एक कूपन से 45 मिनट चलेगा, भैया बता दो एक बार। एक कूपन से 45 मिनट नेट चलेगा। ये नेट चलेगा तो ये कूपन मतलब पोर्टल सर्विस लेंगे तो आप लोग प्रोवाइड कराते हो? बस मौका देख के चौका मार देते हैं। देख के क्या? अच्छा देख के चौका मार देते हैं, क्या बात है। बेबी यहाँ पे सेट हो चुकी है, भैया आपका नाम बता दो। दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी से मुझे पता चला कि पोर्टर सर्विसेज फ्री होती हैं और ऑफिशियली पोर्टर हमसे कोई पैसा नहीं ले सकते। हालांकि मैंने फिर भी अपनी तरफ से 500 रुपीज़ एज ए टिप उन्हें दिया, क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। मुझे इंटरनेट के कूपन्स भी दिए, जिससे मैं अपने घर वालों से बात कर पाई, क्योंकि वो लोग काफ़ी चिंता कर रहे थे कि मैं ठीक से दिल्ली पहुंची या नहीं। तो अगर आप भी एयरपोर्ट पर आते हो और पोर्टर सर्विस लेते हैं तो एक बार चेक कर लें कि उसके कोई चार्जेस है भी या नहीं, और अगर आपको उनकी सर्विसेज अच्छी लगे तो अपनी खुशी से टिप भी दे सकते हो। आई एम श्योर थोड़े से टिप से हमने तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट उन्हें काफी हेल्प हो जाएगी। श्री भगवान। तो जो लोग भी इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे होंगे, जब भी आए तो भैया का सर्विस ले राइट। श्री भगवान भगवान, हाँ बहुत ही लॉयल इंसान है, ऑनेस्ट है राइट, मेहनती भी है भैया। थैंक यू भैया। दोस्तों 15 आवर के लॉन्ग जर्नी के बाद शिकागो टू दिल्ली, दिल्ली में हमारा 4 आवर का लेओवर था, क्योंकि हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी पटना के लिए। इतने टायर्ड हो गए थे मैं और मिश्का कि हम लोग नेक्स्ट फ्लाइट में ही सो गए, इसलिए आई एम सो सॉरी मैं दिल्ली टू पटना का वीडियो शूट नहीं कर पाई। बट आई एम श्योर आपको ये हमारी जर्नी देख के बहुत अच्छा लगा होगा, ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा आपको। प्लीज़ आके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर। बाय बाय।